ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करें। और ख़ासकर आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट, जिस तरह से आईआरसीसी काम कर रही है, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उन रिजल्ट्स को जब हम एनालाइज करते हैं, रिफ्यूज़ल्स को एनालाइज करते हैं, प्लस उन प्रोफाइल्स को एनालाइज करते हैं जिन पर वीज़ाज़ आएँ, तो हमें एक कंक्लूजन निकालनी है कि इस टाइम आईआरसीसी को क्या चाहिए जिससे आपका वीज़ा आ सके या उसमें कोई कमी ऐसी ना हो जो उन्हें दिखे। सो कौन सी वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, और आपका जो प्रोफाइल होगा दैट विल बी वेरी मच फ्रेंडली टूवर्ड्स आईआरसीसी। कोर्स रेलेवेंस की हम रेगुलर बात करते हैं, प्रोग्रेशन की बात करते हैं, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट है कनाडा की पहले दिन से। बात करेंगे इनके अलावा जो 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अपना कनाडा का वीज़ा काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हो इन प्रेजेंट आईआरसीसी का जो मूड या सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम रेगुलर कनाडा के रिलेटेड, यूके के रिलेटेड आपको कंटेंट के साथ अपडेट करते रहते हैं। और साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अब, जहाँ पर रेगुलर स्मॉल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे बहुत सारी ऑफर्स को लेके, बेनिफिट्स को लेके, वो वहाँ पर। सो कनाडा की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट आईआरसीसी के वर्किंग स्टाइल की बात करते हैं, जो वीज़ास आए और जो रिफ्यूज़ल्स आए, जब हम उनमें से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो 4-5 चीज़ें मेनली दिखती हैं कि जिस पे आईआरसीसी बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है। सो उसमें से सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइल्स का स्कोर। डेफिनेटली अब वो मैटर करने लगा है काफ़ी हद तक, और उसका 6 ईच होना आपके प्रोफाइल को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं स्कोर की कमी होना आपके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लस टू स्टूडेंट्स को मैं खास करके कहूँगा, ग्रेजुएट्स को नहीं, क्योंकि प्लस टू का ईच सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाता है। सो ईच सब्जेक्ट में आपका जो स्कोर है दोस्तों, दैट नीड टू बी ए वेरी गुड, ठीक है। नहीं अगर तो आपकी मार्कशीट पे सीधे नंबर्स लिखे हैं तो फाइन, 50-55 इट्स ऑल गुड। बट अगर वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि CBSE की मार्कशीट्स में होता है, आई एम श्योर ICSE की मार्कशीट्स में होता है, जिसके आगे ग्रेडिंग दी होती है, अगर उस ग्रेडिंग में आपके किसी सब्जेक्ट में, और वो भी खासकर मेन सब्जेक्ट में, D1 D2 जैसी ग्रेडिंग है, तो दैट प्लेज द नेगेटिव रोल। सो उस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, चाहे उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है, दैट इज़ रिलेटेड टू फंड्स। सो इनकम एंड फाइनेंशियल सिनेरियो भी मैटर करने लगा है, तो उसमें तो बिल्कुल कमी ना करें, वो अपने कंसल्टेंट के साथ अच्छे से डिस्कस करें। आपके सेकेंड ईयर की कॉस्ट, अगर 2 साल का कोर्स है तो ज़रूर लगाएं ये चीज़ें, आपकी इनकम प्लस आपके सेकेंड ईयर की फीस के इक्वलेंट फंड आपके उस फाइल में होने चाहिए। फोर्थ एंड द फाइनल थिंग आई थिंक इज़ द गैप। गैप इशू जो है वो आपके रिफ्यूज़ल्स में एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो गैप आपके लिए पॉजिटिव है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो गैप आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बंदा वर्क ही करेगा, काम ही करेगा, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे जॉब करे या कुछ भी। प्लस टू के बाद गैप का ज़्यादा होना, 4 साल का होना, 5 साल का होना, बहुत सारे केसेस मैंने देखे 2017 रिफ्यूज्ड, सो होंगे, क्योंकि 5-5 साल के साथ गैप, प्लस टू वाला स्टूडेंट पहले भी कनाडा में एक्सेप्ट नहीं होता था और अब भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं हो रहा है। सो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने प्रोफाइल पे बेहतर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपने प्रोफाइल को रीअसेस कराएं किसी अच्छे कंसल्टेंट से और पूछें कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करके आप कनाडा कर सकते हैं, या फिर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या अदर बेस्ट डेस्टिनेशन है जिसके लिए आप अपना प्रोसेस या शुरू कर सकते हैं। सो जस्ट लॉटरी खेलना बंद कर दें, वो आपका टाइम और समय दोनों वेस्ट करेगा, उतनी जगह में शायद आप दूसरे डेस्टिनेशन पे अपना बेहतर फ्यूचर बना सकें या जो कमी है आप उसे इम्प्रूव कर सकें और नेक्स्ट इनटेक के लिए बेटर प्रोफाइल प्रेजेंट कर सकें। सो आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स. नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com. नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल. एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.